सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव का किया पुतला दहन। चुनार में मंगलवार को भाजपा नगर अध्यक्ष चंद्रहास गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव द्वारा भगवान शिव पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरुद्ध उप जिलाधिकारी के चुनार नीरज प्रसाद पटेल को ज्ञापन सौंपते हुए सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ज्ञापन देने के पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सपा नेता लाल बिहारी यादव का पुतला भी दहन किया। इस दौरान बचाव लाल सेठ, मनोज कनौजिया, विजय बहादुर सिंह, विवेक सिंह, विकास कश्यप, अभिलाष राव, अभिलाष राय, राम आश्रय यादव, विजय गिरी, मंगरू सानी, नीतू गुप्ता, लक्ष्मीकांत गुप्ता, रिंकू चौधरी, मनीष राय, राजू चौबे, कुंवर सूर्य, प्रताप सिंह, अविनाश कुमार गुप्ता, अमन गुप्ता, पंकज सोनी, जितेंद्र कुमार, चिरंजीव सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अगर उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो धरना हम लगातार ऐसे ही देते रहेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा एमएलसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए उप जिलाधिकारी चुनार को सौंपा ज्ञापन। जिला मिर्जापुर तहसील चुनार से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। आपको भाजपा पार्टी है कौन? मैं भारतीय जनता पार्टी का चुनार क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष चंद्रहास गुप्ता हूँ। थैंक यू। लेकिन आप ये बताएं, आज कौन सा ऐसी बात होगी जिससे आपने आज पुतला फूका, क्यों पुतला फूका दिया? आपको बताना चाहूँगा कि दिनांक 4/6/2022 को मिर्जापुर लोहिया ट्रस्ट में सभी पत्रकार बंधुओं के सामने वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, जिन्होंने लोहिया ट्रस्ट में अपने एक बयान के दौरान कहा था कि भगवान शंकर और उनका लिंग हाड़ मांस का बना हुआ है कि पत्थर का बना हुआ है, क्या लाल बिहारी यादव को यह पता नहीं है कि हिंदू धर्म में एक नारियल, कलसा और आम का पत्ता रख दिया जाता है तो भगवान माँ दुर्गा का वह रूप पकड़ लेता है, और कोई भी लिंग, कोई भी शिवलिंग, कोई भी पत्थर को जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी पूजा कर स्थापना कर देते हैं तो भगवान का एक प्रतीक स्वरूप हो जाता है और हम लोग उसकी पूजा करते हैं। लाल यादव कौन है? ये लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के दायित्व में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई पत्थर गंगा जी से बहते बहते लुढ़कते लुढ़कते घिसते घिसते कहीं जाकर बैठ जाता है तो हिंदू उसे उठाकर शालिग्राम या शिवलिंग के रूप में उसके पूजा करने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव हिंदुओं के विरोधी हैं? क्या वे हिंदू नहीं हैं? क्या उनको यह समझदारी नहीं है कि हिंदुओं के सनातन धर्म में पूजा पाठ किया इस पद्धति की क्या रीति रिवाज है और हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा किस प्रकार की जाती है? क्या सिर्फ आपने पुतला फूका या कहीं ज्ञापन भी दिया? नहीं, हमने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उनके खिलाफ जाँच कराकर और विभिन्न धारा में मुकदमा दर्ज करने के लिए एक पत्रक दिया है और तहरीर दिया है। अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम लोग चुनार मंडल के सारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण एक रणनीति बनाकर उनके खिलाफ पुनः धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे और उसमें मामले को उत्तर प्रदेश सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर लेके जाएंगे कि हिंदुओं को इनकी भावनाओं से ठेस पहुँचा है और हिंदुओं के धार्मिक व्यवहार को इन्होंने आहत किया है और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। TV18 चैनल से मैं शाहिद आलम, जिला मिर्जापुर चीफ ब्यूरो, आज की खास खबर चुनार चौक से देखते हुए आप नजर आएंगे।